सुसमाचारों की भूमिका बैकग्राउंड ऑफ द फोर गॉस्पल्स जब हम नए नियम की बात करते हैं तो सबसे पहले ख्याल आता है चार सुसमाचारों का तो मैंने सोचा क्यों ना चार सुसमाचारों से ही नए नियम का अध्ययन शुरू किया जाए आखिर सदियों से स्वर्गदूत और भविष्य वक्ता जिन्होंने मसीहा की भविष्यवाणियां की थी वे जानना चाहते थे कि जब परमेश्वर पृथ्वी पर मानव रूप धारण करके आएगा तो वो क्या कहेगा मतलब उसके मुख से कैसे वचन निकलेंगे क्योंकि वो तो परमेश्वर है तो परमेश्वर स्वयं क्या संदेश देगा मानव जाति को यह जानने को वे बहुत उत्सुक रहते थे यीशु ने कहा मती तेरा सत्रह में क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि बहुत से भविष्य वक्ताओं ने और धर्मियों ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो वे देखें पर ना देखी और जो बातें तुम सुनते हो वे सुने पर ना सुनी पहला पत्र इसी उद्धार के विषय में उन ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने को था भविष्यवाणी की थी उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उन दुखों के बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था मतलब सैकड़ों साल पहले पवित्र आत्मा उन भविष्य के बलिदान और पुनरुत्थान के विषय में तो बताता था लेकिन वे सोचा करते थे कि यह सब घटनाएं कब होंगी तो भविष्य वक्ता जिनमें मसीह का आत्मा था और पुराने नियम के धर्मी जन सोचा करते थे कि जब परमेश्वर अर्थात मसीहा पृथ्वी पर आएगा तो वो क्या क्या करेगा क्या क्या कहेगा और स्वर्गदूत जो मनुष्य की सृष्टि के पहले से हैं वे भी परमेश्वर के पृथ्वी पर आने तक यही सोचते होंगे कि परमेश्वर ऐसा क्या कहेगा जो उन्होंने पहले कभी नहीं सुना होगा तो उन सब के मन में बड़ी जिज्ञासा थी यीशु के संबंध में इन बातों को जानने की आज हम लोग खुद को बहुत आशीषित मान सकते हैं क्योंकि आज हम यीशु के उन वचनों को पढ़ और सुन सकते हैं जिनके लिए भविष्य वक्ता और धर्मी जन और स्वर्गदूत उत्सुक रहते थे यीशु ने कहा यौना छह तिरसठ में जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, वे आत्मा है और जीवन भी है तो परमेश्वर के जीवनदायी वचन मनुष्य को अपने कानों से सुनने को मिले जब परमेश्वर मानव शरीर ओढ़कर आया जो था तो यीशु के मुख से निकले अनमोल वचन हम बाइबल के चार सुसमाचारों में पढ़ते हैं तो इन चार सुसमाचारों को विस्तार से समझाने से पहले मैं आपको इनके विषय में कुछ जरूरी बातें बताना चाहता हूं तो चलिए शुरू हो जाते हैं सुसमाचार को अंग्रेजी में गॉस्पल कहते हैं गॉस्पल मतलब गुड न्यूज मतलब सुसमाचार कुछ लोग इसे शुभ संदेश भी कहते हैं लेकिन मैं इसे सुसमाचार कहना ही पसंद करता हूं तो सुसमाचार किसका सुसमाचार के जीवन का उसकी सेवका यानी मिनिस्ट्री का उसकी मृत्यु और पुनरुत्थान का सुसमाचार तो चारों सुसमाचार यीशु शु की जीवनी बताते हैं लेकिन सुसमाचार कोई पत्रकारिता नहीं है सुसमाचार परमेश्वर का दिया हुआ धर्मशास्त्र है स्टोरी ऑफ जीजस इज नॉट जर्नलिज्म बट थियोलॉजी अगर आप ये संदेश पूरा देखना चाहते हैं तो आप इसे हमारे वेबसाइट हिंदी बाइबल स्टडी डॉट कॉम पर देख सकते हैं यह वीडियो हमारे जनवरी के वीडियोस में अपलोड किया हुआ है तो जिनके पैकेज में भी जनवरी का महीना शामिल है उनको यह वीडियो उनके माय अकाउंट में जनवरी के वीडियोस में मिल जाएगा अगर आप हमारे वीडियो फोन पर देख रहे हैं तो अच्छी स्पीड के लिए कृपया गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर इस्तेमाल करें मतलब आप गूगल क्रोम या मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर खोलकर उसमें हिंदी बाइबल स्टडी डॉट कॉम टाइप कीजिए अगर आप हमारे वेबसाइट के विषय में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर हमारा संदेश देख सकते हैं जिसका शीर्षक है एक विशेष सूचना हमारे मिनिस्ट्री का अगला चरण सेकेंड फेज ऑफ आवर मिनिस्ट्री उसका लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है